मोदी सरकार की द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो स्कीम है 2019 से लागू किया है, यानी कि 2019 से लेके अब तक 5 सालों के अंदर किसानों का खाता पर लगभग 30,000 अब तक जमा हो चुका है। जिन लाभार्थी 2019 फरवरी और मार्च के अंदर आवेदन किए उन सभी लाभार्थी का खाता पर अब तक 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट तक रिसीव हो चुका है। लेकिन किसान सम्मान निधि योजना में जितने भी लाभार्थी है सभी लाभार्थी को 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट तक नहीं मिला। इसमें बहुत सारे वंचित किसान है जिन किसान भाई को पैसा नहीं मिला, और पैसा ना मिलने का ज्यादा से ज्यादा कारण बता रहा था कि उन सभी लाभार्थी का अपने खाता से आधार कार्ड लिंक नहीं है, यानी KYC कंप्लीट नहीं किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे वंचित किसानों को पैसा नहीं मिला है। और किसान सम्मान निधि योजना का स्कीम जब पहले लॉन्च किया था तब सिर्फ ये रूल्स बनाया था कि आप किसान होने चाहिए, अगर आपके पास जमीन है आपको किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से सालाना 6,000 बैंक अकाउंट पर जमा किया जाएगा। लेकिन 2022 में किसान सम्मान निधि योजना में एक बड़ी अपडेट लेकर आया था, यानी कि 2022 में बहुत सारे ऐसे वंचित किसान था जिन लाभार्थी को 8-7 इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद पैसा नहीं मिला है। उन सभी लाभार्थी को अपने जो बैंक अकाउंट है बैंक अकाउंट अपने आधार कार्ड से लिंक करना पड़ा, उसके बाद ही जो रुका हुआ पैसा रिसीप्ट हुआ है। लेकिन जिन जिन लाभार्थी को अब तक 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट रिसीप्ट नहीं हुआ है उन सभी लाभार्थी चेक कीजिएगा कि अपने बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं और आपने KYC पूरा किया कि नहीं, क्योंकि KYC की वजह से लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2023 पर रिसीप्ट नहीं हुआ है पैसा। और 2024 जो 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट जारी हुआ है उसी डेट पर भी बहुत सारे ऐसे वंचित किसान है जिन किसान को सिर्फ KYC की वजह से पैसा नहीं मिला। KYC आप सभी लोग नजदीक का जो CSE सेंटर है वहां पर जाके कर सकते हैं। लेकिन किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से आज सबसे बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे, जो किसान सम्मान निधि योजना का 17 नंबर का इंस्टॉलमेंट है। यह 17 नंबर का इंस्टॉलमेंट किसानों का खाता पर कब जारी किया जाएगा, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट 28 फरवरी 2024 की डेट पर जारी कर चुका है। लेकिन 28 फरवरी से लेकर अब तक 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है और किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से ऐसे बहुत सारे न्यूज फैला रहा है कि 17 नंबर का इंस्टॉलमेंट होली के डेट पर मिल जाएगा। देखिए 17 नंबर का जो इंस्टॉलमेंट का ऊपर अब तक कोई भी अपडेट नहीं मिला है, ये जो पैसा है आपको 4 महीना के बाद ही मिलेगा, उससे पहले 17 नंबर का इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन 4 महीना के बाद तो आपको पैसा आएगा, ये मई या जून या जुलाई में मिलेगा, इसके बारे में बहुत सारे किसान कन्फ्यूज है। देखिए किसान सम्मान निधि योजना का जो 17 नंबर का इंस्टॉलमेंट है ये मई महीना या जुलाई महीना पर नहीं मिलेगा, ये जो इंस्टॉलमेंट है आपको जून में मिलेगा। जून की 15 तारीख को किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 17 नंबर का इंस्टॉलमेंट जारी होने का चांस है, लेकिन 17 नंबर का जो इंस्टॉलमेंट है ये जून में मिलेगा, ये पक्का है, मई और जुलाई पर पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे YouTube वीडियो पर आप सभी को ये जानकारी मिल रही है कि 17 नंबर का इंस्टॉलमेंट आज की डेट पर जारी होगा, इसी महीना को जारी होगा, अगली महीना को जारी होगा। देखिए ये फेक न्यूज़ है। किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से 17 नंबर का इंस्टॉलमेंट है ये आपको जून महीना में जारी होगा, उससे पहले किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जिन किसान वंचित है 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हुआ है उन सभी लाभार्थी को 31 मार्च की डेट पर किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से आने वाला इंस्टॉलमेंट। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप सभी लोग KYC को पूरा कीजिएगा, भूमि को सत्यापन कीजिएगा, अपने जो आधार कार्ड है अपने बैंक अकाउंट से DBT NPCI पर एक्टिव कीजिएगा, उसके बाद आपका जो पैसा है 100% मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका मन में और कोई भी सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो इतना तक है। जय हिंद जय भारत।